हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकेंड, वो चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और उसमें हमने इसका नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है, बायसेक्सुअल फ्लावर की स्ट्रक्चर जो है, उसके जो पार्ट थे एसेंसरी पार्ट और एसेसरी जो पार्ट थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन से पहले, मतलब कि कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, क्या क्या बनते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद में ही मतलब कि कौन सी इवेंट्स होती हैं। तो इस चैप्टर में अपना टॉपिक जो है वो है अब मतलब कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। टॉपिक है अपना प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है इसमें? देखो, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन से पहले बनते हैं गैमेट, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बनते हैं। तो हम यदि बात करें कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं, किस प्रोसेस से बनते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले एक वर्ड आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं। यानी कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब कि मेल पार्ट के अंदर मेल गैमेट और फीमेल पार्ट के अंदर जो फीमेल गैमेट होते हैं, उनका फॉर्मेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो बाइसेक्सुअल जो फ्लोवर है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, और उसमें हमने एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। एंड्रोसियम जो होता है वो फ्लोवर का मेल पार्ट होता है, गाइनोसियम जो होता है वो फ्लोवर का फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेल गैमेट्स की, यानी कि मेल गैमेट्स बनते कहां पर है। तो हमें पता चल गया गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, गैमेट जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर एक पर, सबसे पहले मेल गैमेट की। मेल गैमेट, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं पोलन ग्रेन, वो भी मेल गैमेट है। ये पोलन ग्रेन बनते कहां पर है, माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं पीएमसी सेल, पोलन मदर सेल जो होती हैं उसमें बनते हैं माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। तो पहला अपना जो पॉइंट आता है वो होता है मेल गैमेट या फिर माइक्रोस्पोर, या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, या हम बोल सकते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जो फ्लोवर है उसकी जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, और उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने, ऐसी स्ट्रक्चर पड़ी थी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है, ये वाली जो स्ट्रक्चर थी इसको नाम दिया गया था स्टेमन। इसको क्या नाम दिया गया था, स्टेमन, ठीक है। और ऐसी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर जो होती हैं उनको कंप्लीट रूप से एक वर्ड, एक टर्म्स दी थी, मतलब कि ऐसी बहुत ज्यादा जो स्ट्रक्चर होती है उनको सभी को मिलाकर एक टर्म्स दी थी, और उसका नाम था एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, और आपको पता है एंड्रोसियम क्या होता है, फ्लोवर का मेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम क्या होता है, फ्लोवर का मेल पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो एंड्रोसियम है इसकी एक सिंगल जो यूनिट होती है वो होती है स्टेमन।
एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट जो होती है, यानी कि ये सिंगल स्ट्रक्चर जो होती है, ये होती है स्टेमन। और जब हम स्टेमन की बात करते हैं तो स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, इस स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। एक तो ये नीचे वाला, यहां से और यहां तक, एक तो ये पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये फिलामेंट जो होता है इसके टॉप पर पोलन सैक यानी एंथर जो होता है वो क्या होता है, मतलब कि उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। इस फिलामेंट के टॉप पर कौन होता है, इस पर होता है पोलन सैक एंथर होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये फिलामेंट जो होता है ये स्टेमन का बेसल वाला पार्ट होता है, जो मतलब बिल्कुल कि स्पाइरल की जैसे स्ट्रक्चर होती है, बोल सकते हैं कि धागे के जैसे स्ट्रक्चर होती है। और ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एंथर, इसको क्या बोलते हैं, एंथर। और ये जो एंथर जो होता है ये नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इस एंथर की जो हम बात करते हैं, देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, एंथर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि एक जो एंथर होता है या पोलन सैक जो होता है उसमें दो लोब्स होती हैं, एक लोब्स तो ये वाली होगी, एक लोब्स ये वाली होगी, टोटल कितनी लोब्स होती हैं, दो। और प्रत्येक लोब के अंदर दो माइक्रो स्पोरेंजियम बनती हैं। इसके अंदर क्या बनती हैं, प्रत्येक एक लोब में दो माइक्रो स्पोरेंजियम बनती हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। और इधर भी कितनी बनेंगी, दो माइक्रो स्पोरेंजियम बनेंगी। इस तरीके से एक पोलन सैक में टोटल चार माइक्रो स्पोरेंजियम बनती हैं। और इन चारों माइक्रो स्पोरेंजियम को बोला जाता है टेट्राड माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या बोला जाता है इन चारों को, टेट्राड माइक्रो स्पोरेंजिया, टेट्राड माइक्रो स्पोरेंजिया कहा जाता है। मेरे लिए ऐसा ही होता है। लेकिन जो मालवेसी फैमिली है, मालवेसी फैमिली, और मालवेसी फैमिली में कौन आता है, उसमें आता है एक तो अपना कपास जो है गोसिपियम हर्सुटम, को एक अपना आता है हिंडी एब्लिमोस्कस जो है स्कुलेंटम है वो, एक आता है अपना गुड़हल हिबिस्कस रोजासाइनेंसिस जो है वो। यानी कि इनके अंदर क्या होता है, मालवेसी जो फैमिली है उसमें होता क्या है कि जो पोलन सैक जो होता है वो सिर्फ सिंगल लोब्स होती है, उसमें सिर्फ एक सिंगल लोब्स होती है, यानी कि ऐसा होता है बिल्कुल सिंगल लोब्स में, ऐसे एक सिंगल लोब्स होती है। और एक लोब्स में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम बनती हैं, दो। यानी कि मालवेसी फैमिली का पोलन सैक एंथर जो होता है उसमें दो माइक्रोस्पोरेंजियम बनती हैं, बाकी फैमिली में कितनी बनती है, चार, जिनको क्या बोला जाता है टेट्राड माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। लेकिन मालवेसी फैमिली में याद रखना है अपने को कितने बनते हैं, सिर्फ एक लोब्स बनती हैं और एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम बनती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम इसमें क्या बनते हैं, अब हम सबसे पहले इसके अंदर बनते क्या हैं वो जानने से पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम बन गया हमारे पास में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मेल गैमेट, माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन बोल सकते हैं, कहाँ बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं। कैसे बनते हैं वो प्रोसेस में अभी बताने जा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले मेल गैमेट में आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी सिंगल, इस सिंगल को बोला जाता है स्टेमन, और द ग्रुप ऑफ स्टेमन कॉल्ड इज एंड्रोसियम।
सिंगल यूनिट ऑफ एंड्रोसियम कॉल्ड इज स्टेमन। सिंगल यूनिट को स्टेमन बोलते हैं, ग्रुप को क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। और इस स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं, दो। एक फिलामेंट होता है जो बिल्कुल बेसल वाला पार्ट होता है, स्पाइरल शेप होता है, और इसका जो टॉप वाला पार्ट होता है एंथर, जो नोड लाइक्स होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, एंथर द्विपालित होता है। एक जो लोब्स होती है उसमें दो माइक्रोस्पोरेंजिया मानते हैं, टोटल कितने हो गए, चार, जिसको क्या बोल दिया गया, टेट्राड माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन मालवेसी फैमिली के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लोब्स होती है जिसमें दो माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की। तो अपना नेक्स्ट जो है वो है टॉपिक की स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। देखो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें भी दो लेयर होती है, कितनी लेयर होती है, दो। माइक्रोस्पोर इसमें भी दो लेयर होती है। देखो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम की, दो लेयर का मतलब क्या है, एक होती है पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर, और एक होती है स्पोरोजीनस टिश्यू, जो हम बात करते हैं इसकी, इस माइक्रोस्पोरेंजियम की। तो इसमें दो लेयर बनती हैं, एक तो पैराइटल लेयर, एक बनती है स्पोरोजीनस टिश्यू बनता है। अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो पैराइटल जो लेयर होती है इसमें चार लेयर होती है, पैराइटल लेयर में टोटल चार लेयर होती है। तो सबसे पहले पैराइटल लेयर की हम बात करते हैं, तो चार लेयर में नंबर एक पर कौन सी लेयर आती है, देखो ये वाले स्ट्रक्चर को देखो आप, इसमें जो सबसे बाहर की तरफ है, सबसे बाहर, यानी कि जो सबसे बाहर, इसको हमने नाम दिया है एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, आउटर लेयर जो होती है, इसको नाम दिया है हमने एपिडर्मिस। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे आउटर जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो पैराइटल की जो पहली लेयर आती है अपने पास में, वो आती है एपिडर्मिस। और ये जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस का काम होता है जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन, या फिर हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं जो माइक्रोस्पोर है उसको प्रोटेक्शन देता है, पोलन ग्रेन है उसको प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद में सेकेंड लेयर, इस एपिडर्मिस के बिल्कुल अंदर की तरफ ये वाले जो लेयर है इसको हमने नाम दिया है एंडोथीसियम लेयर, एंडोथीसियम। तो नंबर दो पर कौन सी है, एंडोथीसियम लेयर। एंडोथीसियम लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस की बिल्कुल इनर साइड होती है, यानी कि ये एपिडर्मिस और इस एपिडर्मिस के इनर साइड कौन सी होगी, एंडोथीसियम होगी। और ये जो एंडोथीसियम होती है, ये जो पोलन सैक होता है, एंथर जो होता है, उसके डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, मतलब उसको तोड़ने का कार्य करता है। यहां से जो ये जगह है, स्पेस जो है, वो किसके कारण है, वो इस एंडोथीसियम के कारण है। यहाँ से क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ से माइक्रोस्पोर बाहर आते हैं। तो इसका काम क्या हो गया, जो पोलन सैक एंथर है उसके डिस्ट्रक्शन में हेल्प करना। उसके बाद नंबर थर्ड लेयर, थर्ड लेयर आती है इसकी ये वाली, और इसको नाम दिया गया है मिडिल लेयर। क्या नाम दिया गया इसको, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है ये 1, 2, 3 लेयर होती है,
वन टू थ्री लेयर होती है, और ये जो लेयर होती है स्मॉल अमाउंट में माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देती है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में। क्या करती है जो माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेट बोल दो, माइक्रोस्पोर बोल दो, पोलन ग्रेन बोल दो, एक ही बात है, उनको क्या देता है न्यूट्रिशन देता है कौन, मिडिल लेयर। उसके बाद नंबर फोर, नंबर फोर जो सबसे इनर होती है ये वाली, और इसका नाम क्या दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है टेपीटम। क्या नाम दिया हुआ है नंबर फोर पर, टेपीटम। टेपीटम जो होती है ये माइक्रोस्पोर को क्या देती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ये माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है बहुत ही ज्यादा अबंडेंट, यानी कि यहां पर मेनली चार लेयर है किसकी, पैराइटल लेयर की। यदि आपसे एक वर्ड में फंक्शन पूछा जाए कि इन तीनों लेयर का फंक्शन क्या है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, तीनों का यदि एक साथ पूछा जाए तो तीनों का मेन फंक्शन होता है जो पोलन ग्रेन होता है, या फिर माइक्रोस्पोर जो होता है, या फिर माइक्रोस्पोरेनियम जो होता है उसको क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यदि एक तीनों का एक साथ पूछा जाए। और टेपिटम का पूछा जाए तो टेपिटम का मेन फंक्शन होता है माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो टेपिटम है इसके फंक्शन की बात करते हैं, टेपिटम के फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ टेपिटम, फंक्शन ऑफ टेपिटम। तो नंबर एक पर फंक्शन क्या हो गया टेपिटम का, कि जो माइक्रोस्पोर होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, जो टेपिटम होता है वो एंजाइम और हार्मोन उनको सीक्रेट करता है, हार्मोन के रूप में होता है आई ए ए, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड जो हार्मोन है इसको सीक्रेट करता है। नंबर एक की न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नंबर दो एंजाइम और हार्मोन को क्या करना, सीक्रेट करना। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड पर आता है इसका मेन फंक्शन कैलोज जो होता है, कैलोज जो है उसको सीक्रेट करना, कैलोज को सीक्रेट करना। देखो कैलोज का मेन फंक्शन क्या होता है वो भी बताएंगे अभी। नंबर फोर, नंबर फोर पर आता है जो यूविल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, यूविल्स जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको सीक्रेट करता है टेपिटम, यूबिस ग्रेन्यूल्स को सीक्रेट करता है। और ये यूबिस ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करते हैं, स्पोरोपोलेनिन जो है उनका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये माइक्रोस्पोर का, माइक्रो स्पोर का जो यानी कि जो पोलन ग्रेन है उसकी जो आउटर लेयर होती है यानी कि एग्जाइन जो होता है माइक्रोस्पोर का, एग्जाइन आउटर लेयर उसको क्या करते हैं, मतलब कि फॉर्म करते हैं, उसका निर्माण करते हैं कौन, स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन जो है वो किससे बनता है, यूबिस ग्रेन्यूल से, यूबिस ग्रेन्यूल्स को कौन सीक्रेट करता है, टेपिटम, ठीक है। तो ये इसके मेन फंक्शन थे किसके, टेपिटम के। उसके बाद में नंबर सेकंड, नंबर एक हो गया पैराइटल, उसके बाद में नंबर दो, नंबर दो पर आता है स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरो
जीनस टिश्यू क्या होता है देखो, स्पोरोजीनस टिश्यू नंबर दो पॉइंट है इसका। नंबर एक क्या था, पैराइटल लेयर, नंबर दो स्पोरोजीनस टिश्यू। और ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है ये टेपिटम के बिल्कुल अंदर होता है। ये टेपिटम वाली लेयर है, इसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर है, ये है स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर बनते हैं पोलन, मदर सेल। स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर क्या बनते हैं, पोलन मदर सेल, ये वाले पीएमसी, ये वाली स्ट्रक्चर पोलन मदर सेल। ये कहां बनते हैं, ये बनते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर। और ये जो पोलन मदर सेल जो होती हैं, ये 2n होती हैं। कैसी होती हैं, 2n डिप्लोइड होती हैं। कैसी होती हैं, 2n होती हैं, डिप्लोइड होती हैं। और ये जो पोलन मदर सेल है पीएमसी, पोलन मदर सेल कैसी होती है, 2n होती है। और जब इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है इस पोलन मदर सेल में, जब मियोसिस डिवीजन होता है तो उसके बाद में 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। और ये जो 4 पोलन ग्रेन बने हैं ये हैप्लोइड होते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर क्या होता है, पीएमसी सेल, पोलन मदर सेल। और पोलन मदर सेल कैसी होती है, डिप्लोइड होती है। और इस पोलन मदर सेल में जब मियोसिस डिवीजन होता है तो 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। वो कैसे होते हैं, एन होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। और पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन वो कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पीएमसी सेल से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। और एक पीएमसी सेल जब मियोसिस डिवीजन उसमें होता है तो 4 पोलन ग्रेन बनाती हैं जो कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, ठीक है। और ये सभी के सभी जो यहाँ पर पोलन ग्रेन बने हैं ये सभी के सभी आपस में मतलब कि जुड़े होते हैं और टेट्राड फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं, टेट्राड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जितने भी मोनोकोट प्लांट होते हैं, मोनोकोट प्लांट जो होते हैं उनके अंदर जो ये पोलन ग्रेन बने होते हैं ये पोलन ग्रेन टेट्राड के रूप में होते हैं, टेट्राड फॉर्म में होते हैं। मोनोकोट प्लांट में पोलन ग्रेन टेट्राड फॉर्म में होते हैं और डाइकोट जो प्लांट है उसमें पोलन ग्रेन जो होते हैं वो आइसोबाइलेट्रल फॉर्म में होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं। आइसोबाइलेट्रल फॉर्म में होते हैं और मोनोकोट में टेट्राड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये जो पोलन ग्रेन होते हैं जो टेट्राड फॉर्म में है, आइसोबाइलेट्रल फॉर्म में है, ये जब दो मतलब कि पोलन ग्रेन आपस में जुड़े होते हैं वो एक लेयर के द्वारा जुड़े होते हैं और उस लेयर का नाम है कैलेस। कैलेस जो लेयर है उसके द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही टेपिटम के द्वारा कैलोज का सीक्रेशन होता है तो क्या करता है, इस कैलेस को डिहाइड्रेट कर देता है, तोड़ देता है, जिसके कारण ये माइक्रोस्पोर बिल्कुल क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर इस माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आ जाते हैं। फ्री होकर कहां आ जाते हैं, इस माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर। तो सबसे पहले पैराइटल लेयर में चारों लेयर क्लियर हो गई थी। सेकंड पर आता है स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू ये बात रहा, इसके अंदर क्या बनती है, पोलन मदर सेल बनती है। पोलन मदर सेल जो होती है इसमें मियोसिस डिवीजन होता है और ये बनाते हैं क्या,
पोलन ग्रेन बनाते हैं, और पोलन ग्रेन जो बनाएंगे तो ये बिल्कुल हैप्लोइड होते हैं, फोर बनाते हैं एक पीएमसी सेल से। और ये जो पोलन ग्रेन जो बनते हैं ये सारे के सारे पोलन ग्रेन हैं, और ये पोलन ग्रेन यदि मोनोकोट में बन रहे हैं तो टेट्राड फॉर्म में बनते हैं, डाइकोट में बन रहे हैं तो आइसोबाइलेट्रल फॉर्म में बन रहे हैं। और ये जो टेट्राड आइसोबाइलेट्रल फॉर्म में जब जुड़े होते हैं तो एक लेयर के द्वारा जुड़े होते हैं, और उस लेयर का नाम होता है कैलेज, और इस कैलेज का डिहाइड्रेट करने का काम करता है कौन, कैलोज। कैलोज को सिक्रेट कौन करता है, टेपिटम करता है। इस तरीके से जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है अपना, उसकी ये स्ट्रक्चर है, ठीक है।